हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। टुडे वी कंटिन्यू चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज अर्ली टू बेड। हमने इस चैप्टर के पोयम के दो पैराग्राफ्स पढ़ लिए थे, अब हम इसके आगे के पैराग्राफ्स समझेंगे और रीड करेंगे। नाउ स्टार्ट द चैप्टर। जी ओ गो टी ओ टू बी ई डी बैग ई ए आर एल वाई अर्ली। Go to bed early. N O no. P A I N S pens. O R or I double L S ills. Go to bed early. No pens or eels. अगर आप जल्दी सो जाते हैं तो no मतलब no pens मतलब आपको कोई तकलीफ, pens मतलब जो दर्द होता है हमें वो कोई दर्द तकलीफ नहीं होगी, और ना ही आपको इल्स मतलब बीमारी, ना ही आप बीमार होंगे। तो अगर हम जल्दी सो जाएंगे तो ना ही हम बीमार होंगे और ना ही हमें कोई प्रॉब्लम या कोई तकलीफ होगी। गो टू बेड लेट सॉरी जी ओ गो टी ओ टू बी ई डी बेड एल ए टी ई लेट। गो टू बेड लेट डी ओ सी डॉक टी ओ आर एस टर्स डॉक्टर्स एन डी एन पी आई डबल एल एस पील्स डॉक्टर्स एंड पील्स। गो टू बेड लेट डॉक्टर्स एंड पील्स। अगर आप लेट सोने जाएंगे या अगर आप लेट सोते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? डॉक्टर्स और पील्स मतलब दवाइयों की। क्यों? क्योंकि अगर हम लेट सोते हैं तो हमें अच्छा फील नहीं होता है, बॉडी में पेन होता है, हमारा माइंड प्रॉपर नहीं वर्क करता है, हमें पूरा दिन कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है, हमें तबीयत खराब सी लगती है। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? पिल्स मतलब दवाई गोली, तो दवाइयों की और डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा चेकअप कराने के लिए, है ना। तो इसलिए हमें हमेशा जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए जिससे हमें डॉक्टर्स और बीमार दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े और हमें कोई दुख दर्द और बीमारियाँ ना हो। नेक्स्ट पैराग्राफ। जी ओ गो टी ओ टू बी ई डी बेड ई ए आर एल वाई अर्ली। गो टू बेड अर्ली जी आर ओ डब्ल्यू ग्रो वी ई आर वाई वेरी टी ए डबल एल टॉल ग्रो वेरी टॉल। अगर आप जल्दी सो जाते हैं तो आप कैसे होते हैं, हमारी ग्रोथ कैसी होती है, हम हमारी हाइट बढ़ जाती है, हम टॉल हो जाते हैं। टॉल मतलब लंबा, तो हम टॉल हो जाते हैं। और जी ओ गो टी ओ टू बी ई डी बेड एल ए टी ई लेट। गो टू बेड लेट अगर हम लेट सोने जाते हैं, अगर हम लेट सोते हैं एस टी ए वाई स्टे वी ई आर वाई वेरी एस एम ए डबल एल स्मॉल स्टे वेरी स्मॉल। तो हम कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे ही रह जाते हैं, हमारी हाइट ही नहीं बढ़ती है, ग्रोथ नहीं होती, हमारा डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता है, हम आलसी बने रहते हैं, है ना। स्टे मतलब ठहर जाते हैं, हमारी हाइट वहीं ठहर जाती है। तो गो टू बेड लेट स्टे वेरी स्मॉल। तो हमें हमेशा जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए जिससे हम हमारी ग्रोथ कैसी हो, बहुत जल्दी जल्दी टॉल हो जाएं हम और हम स्मॉल ना रहें, स्मॉल ही ना ठहर जाएं। ओके, तो आपको समझ में आया ये चैप्टर? डू यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर अर्ली टू बेड? तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा समय पर सोना चाहिए और समय पर उठना चाहिए, हमें हमेशा जल्दी सोना चाहिए और जल्दी ही उठना भी चाहिए जिससे हम में स्फूर्ति रहे, एक्टिवनेस रहे, हम सभी काम अच्छे से कर सकें, हम पढ़ाई अच्छे से कर सकें हमारी। ओके, नाउ स्टूडेंट read this poem and try to understand it and learn this poem also. Till then, thank you. Hare Krishna.